अपनी बेटियों को पूरे कपड़े पहनाने में आपको क्या शर्म आती है? आजकल आप देखिए, लड़कियों के कपड़े इतने अधूरे से लगते हैं जैसे सिलते वक्त उनका कपड़ा कम पड़ गया था, इसलिए उनकी आस्तीनें भी छोटी हो गई, उनकी पैंट टखनों से ऊपर चली गई, उनके गले बड़े बड़े कट गए और उनके साइड के कट भी बड़े हो गए। और सितम ये कि ऐसे बेढंगे लिबास पहनकर लड़कियां अपने आप को बहुत कूल समझ रही होती हैं। तो देखिए, एज ए मुस्लिम ऐसे बेढंगे लिबास पहनने से आप कूल तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रही हैं, बल्कि बहुत बड़ी फूल और बहुत ही नामाकूल लग रही होती हैं। क्यों? क्योंकि इतनी एजुकेशन हासिल करने के बाद भी अगर आपको प्रॉपर ड्रेस पहनने का सलीका नहीं आया तो आपसे ज़्यादा अनएजुकेटेड भला और कौन हो सकता है? सब बेकार हैं आपकी डिग्रियाँ, सीरियसली। पहले तो आप इतने फिटिंग वाले कपड़े पहनती हैं, लगता है जैसे आप कपड़ों में कहीं फंसी हुई हैं, इतने ज़्यादा टाइट कि पूरी बॉडी का शेप साफ नज़र आ रहा होता है। दूसरा, इतनी छोटी स्लीव्स और इतने बड़े बड़े गले सिलवाती हैं कि ज़रा सा बंदा किसी काम के लिए झुके तो पूरा सतर नज़र आने लगता है। अरे भाई, घर में कई काम होते हैं जिसमें उठने बैठने में, झाड़ू देने में, खाना बनाते वक्त, कपड़े धोते वक्त झुककर काम किया जाता है। कोई ना कोई काम करते वक्त आपको झुकना पड़ता है, जिसकी वजह से सिर्फ बेढंगापन ही नज़र आ रहा होता है। और ऊपर से टाइट सी लेगिंग्स पहन लेंगी जिसमें से पूरी टांगे कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ ख़त्म होती हैं ये साफ नज़र आ रहा होता है। या फिर इतनी छोटी पैंट या प्लाजो पहन लेती हैं कि पूरी पिंडलियाँ और टखने साफ नज़र आ रहे होते हैं। मैडम ने शर्ट में इतने लंबे लंबे कट्स रखे होते हैं कि चलने में साइड से पेट, पीठ, सीट और टांगे प्रॉपर नज़र आ रही होती हैं। मतलब क्या ही बोलना, जब पहनने वालों को खुद ही बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे कपड़े पहनकर क्या आप तहजीब याफ्ता नज़र आ रही हैं, या घर के मर्द सारे अंधे हो गए हैं जो आपको इस तरह के बेढंगे कपड़ों में कुछ नहीं कहते। जबकि कुरान में आता है कि अपनी जीनत को जाहिर मत करो, यानी जो कुरान कह रहा है बिल्कुल उसके अपोज़िट काम हो रहा है। कुरान आपको कुछ और तालीम दे रहा है और आप कुछ और ही फॉलो कर रहे हो। देखिए, हमें लगता है ये मामूली बातें हैं, घर में तो सब चलता है। अरे भाई, घर में बाप है, भाई है, चचा है, फूफा है, मामू है, कज़िन सभी मौजूद होते हैं, सभी का आना जाना लगा होता है। ऐसे में आप इस तरह के गैर शाइस्ता ड्रेसिंग करोगी तो जाहिर सी बात है फितना फैलेगा। देखिए, आप अपने शोहर के सामने जो पहनना है पहनो, बट महरम में जो बाप, भाई और बाकी रिलेटिव्स आते हैं ना, उनके सामने भी आप बेढंगे कपड़े नहीं पहन सकती। अच्छे अच्छे महज़ब घरानों की लड़कियां भी अब मॉडर्निज्म के चक्कर में अपने कपड़ों के मामले में एहतियात नहीं बरत रहीं। फिर तो किसी स्कॉलर ने क्या खूब कहा था, इफ़ एक्सपोजर ऑफ बॉडी इज़ मॉडर्निज्म देन एनिमल्स आर मोर मॉडर्न देन ह्यूमन। सुभान अल्लाह, ये जुमला तंजिया तौर पर कहा गया है उन लोगों के लिए जो अपनी बॉडी एक्सपोज करने को मॉडर्निज्म समझते हैं। अगर सिर्फ जिस्म की नुमाइश करना तरक्की यानी मॉडर्निज्म की अलामत है तो फिर जानवर इंसानों से ज़्यादा मॉडर्न है, क्योंकि वो जानवर हैं, पूरा टाइम अपने जिस्म को बेनकाब रखते हैं। अगर आप एजुकेटेड होकर भी अपनी बॉडी को प्रॉपर कवर नहीं कर सकती या अपने घर की ख्वातीन को मुकम्मल लिबास नहीं पहना सकती तो फिर आपकी सारी डिग्रियाँ बेकार हैं, फितना है। और भाइयों को एक रिमाइंडर देना चाहेंगे कि मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसके घर की औरतों के कपड़ों से लगाया जा सकता है, इस बात को घरों में लिख कर लगा लो। मेरी बहनों, एज ए मुस्लिम वुमेन हमें बहुत महज़्ज़ब और बाहया और प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है, अपने आप को मुकम्मल कवर रखना है। और ये ऑर्डर किसी इंसान ने हमें नहीं दिया है बल्कि अल्लाह ने दिया है। तो अगर हम बेढंगे कपड़े पहन रहे हैं तो हम किसकी नाफरमानी कर रहे हैं? अपने रब की। अल्लाह हू अकबर।